एक मेरा सवाल ये है कि कोई अगर इंसान दूसरी निकाह क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं करेगा वो, उसकी क्या उज्र होनी चाहिए कि वो दूसरी निकाह नहीं करना चाहिए उसे? दूसरी शादी सिर्फ एक सूरत में करना नाजायज है, सिर्फ एक सूरत में दूसरी शादी करना नाजायज है। वो उस वक्त जब इंसान अपनी दो या दो से ज्यादा बीवियों के दरमियान अदल ना कर सके, इंसाफ ना कर सके, क्योंकि अदल करना ये बुनियादी शर्त है दूसरी शादी करने के लिए। अगर अदल नहीं कर सकता तो इस सूरत में दूसरी शादी करना उसके लिए हराम है। बाकी जितनी भी सूरतें हैं बसा औकात तो दूसरी शादी करना वाजिब हो जाता है। जैसे किसी इंसान को अगर ये खतरा है कि अगर मैंने एक बीवी पर गुजारा करने की कोशिश किया तो मैं गलत कामों में वाकई हो जाऊंगा, तो ऐसी सूरत में उसके लिए दूसरी शादी करना वाजिब हो जाता है। और अगर किसी को खतरा नहीं है कि मैं गलत काम में तो वाकई नहीं हूंगा, लेकिन मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं और मैं अदलो इंसाफ भी कर सकता हूं, ऐसी सूरत में उसके लिए कभी कभी दूसरी शादी करना अफजल होगा और कम से कम तो जायज होगा। उसका जो कम से कम दर्जा है वो जवाज का है। अगर कोई करना चाहता है तो किसी को एतराज करने का हक नहीं है। अगर कोई एतराज कर रहा है तो ये सीधा शरीयत के हुक्म पर एतराज होगा। हमारी शरीयत किसी को मजबूर नहीं करती है कि आप शादी करो, हमारी शरीयत ने आपको ऑप्शन दिया है। आप इंसान का अपना जाती मसला है, अगर कोई करना चाहता है तो करे, अगर कोई नहीं करना चाहता है उसको नहीं पसंद है ना करे, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उस पर तनकीद करना, उस पर एतराज करना, शरीयत के इस हुक्म को लेकर के तरह तरह की बातें करना, तानो तशनी करना, ये मैं समझता हूं, जैसा कि बहुत सारे किबार उलमा का फतवा भी है, शेख इब्न बाज एक बहुत मारूफ आलिम दीन है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई दूसरी शादी को कराहियत की निगाह से देखता है तो ऐसी हालत में वो कुफ्र के अंदर वाकई हो रहा है। तो ये बहुत खतरनाक मसला है। आपको नहीं करना है मत कीजिए, कोई जबर नहीं है शरीयत की जानिब से, आप मत कीजिए, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उस पर आप एतराज मत कीजिए। हाँ, अगर वो दूसरी शादी करते हुए अदलो इंसाफ नहीं कर रहा है तो वो गुनहगार है, तो आपको एतराज का हक है, उस शख्स पर एतराज का हक है, शरीयत के उस हुक्म पर नहीं। शरीयत ने तो दूसरी शादी करने की जब इजाजत दी तो इतने सारे बाउंडेशन लगा दिए, इतनी सारी शर्तें लगा दी कि आपको ऐसे ऐसे रहना है तब आप दूसरी शादी कीजिए, तो उन शर्तों के साथ आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो हम उस इंसान पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी शादी के हुक्म पर ये एतराज अगर कोई कर रहा है तो बसा औकात वो कुफ्र के दर्जे तक पहुंच जाएगा। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत खतरनाक मसला है, ये और इसके जैसे कई मसाइल ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं और अपनी नापसंद की बुनियाद पर हम अपनी कराहियत का, नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, बसा औकात ऐसे लोगों पर जुमले भी कसते हैं। तो ये ऐसे लोगों पर जुमले नहीं है, आप सोचिए कि आप गुफ्तगू किसके बारे में कर रहे हैं, आप गुफ्तगू शरीयत के हुक्म के बारे में कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें जो है शरीयत के इस तरह के हसास मसाइल में सोच समझ करके गुफ्तगू करनी चाहिए। आपको वाकया याद होगा, गजवे तबुक के मौके का गालिबन वाकया है, बाज मुनाफिकीन ने सहाबे किराम के बारे में, जो हुफाज थे, हुफाज सहाबे किराम, उनके बारे में कहा कि ये जो कारी लोग होते हैं, उलमा होते हैं, जैसे हम लोग इस जमाने में मौलवी कहते हैं, उस जमाने में हुफाज और कुर्रा उलमा होते थे सहाबे किराम में भी। तो उन्होंने कहा कि ये जो कुर्रा होते हैं ये खाने में तो बहुत आगे होते हैं, पेट में जो है पेट पूजा करने में बहुत आगे होते हैं, और जब दूसरी कामों में बहादुरी दिखाने का, शुजाअत दिखाने का, लड़ने का मौका आता है तो ये पीछे होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर आयत नाजिल कर दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे बताया कि तुम लोगों ने इस तरह कहा है, तो उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो मजाक कर रहे थे, बस हम आपस में ऐसे मजाक कर रहे थे, मजाक में हमने कह दिया था, हम सीरियस नहीं थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? ला तअतज़िरू फ़क़द कफ़रतुम, उज़्र पेश मत करो कि हम मजाक कर रहे थे, तुमने कुफ्र किया है। तो उन कुर्रा का सिर्फ मजाक उड़ाने पर, कुर्रा
उलमा ये दीन का एक तरह से शियार है, दीन की अलामत है समाज के अंदर जो उलमाए हक है। अगर उनका मजाक उड़ाया जाए तो गोया की एक तरह से बिलवास्ता आप भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसी पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई कि तुम लोगों ने कुफ्र किया। अब यहां पर ये जो मसला है ये डायरेक्ट शरीयत का एक मसला है, बेसिक मसला। दूसरी शादी करना अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत दे रहा है और आप उस पर जो है किल्ली उड़ा रहे हैं, लोगों की मजाक कर रहे हैं। जो दूसरी शादी किया हुआ है उस पर तंज कस रहे हैं, तो आप मजाक किसका उड़ा रहे हैं? आप मजाक शरीयत के उस हुक्म का उड़ा रहे हैं। आप शादी मत कीजिए, आपकी मर्जी नहीं, आपके हालात नहीं है, आप बेहतर जानते हैं, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया है। और जाहिर है हमारे समाज और मुआशरे में मुझे लगता है कि 99% से ज्यादा लोग, मेरे पास कोई सर्वे नहीं है इसका, लेकिन 99% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन जो एक ही शादी करके गुजारा करते हैं। तो अगर कोई चंद लोग कर रहे हैं तो हम उन पर उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। हाँ, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उन्हें समझाएंगे, उन पर नकीब करेंगे, लेकिन शरीयत के इस हुक्म का मजाक उड़ाना जो बेशतर अवकात सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मसाइल पर भी उलमा का लोग मजाक उड़ाएंगे और वो इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते। तो आप ये जो जिन मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया था कुर्रा का, आप उस पस मंजर में देखिए कि इस तरह से उलमा का मजाक उड़ाना या दीन के शायर का मजाक उड़ाना ये कितनी कितनी खतरनाक बात है। तो कई दफा हम ना समझी में दीन के अहकाम का मजाक उड़ाते हैं।